हेलो गाइज, आज मैं बताऊंगा व्हाट्सएप का कुछ ऐसा हिडन फीचर जो हाल ही में अपडेट हुआ है, जो शायद आपको नहीं पता होगा। बहुत ही कमाल के हिडन फीचर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में जो बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं होगा। बहुत ही कमाल का ये हिडन फीचर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ बात करते हैं डिटेल्स में वो क्या है न्यू फीचर्स और कैसे उसे यूज किया जाता है, आपके डेली यूज में आने वाले फीचर्स जो कि बहुत ही कमाल का फीचर्स है व्हाट्सअप का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइटल। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टिप्स नंबर वन की, जो बहुत ही लाजवाब टिप्स हैं व्हाट्सअप यूजर के लिए जो हाल ही में आया है। तो ये फीचर्स हैं क्या, जैसे ही हम किसी से चैट कर रहे हैं, हमें बिलीव नहीं है कि वो चैट के ज़रिए हमें बाद में ब्लैकमेल करेगा 1 महीना या 2 महीना में, तो फोटो या वीडियो से ब्लैकमेल ना करें। तो ऐसे में क्या करें, तो वैसे में क्या कीजिए कि आप डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन कर लीजिए। तो ये कैसे करते हैं, तो चलिए इसके लिए हम जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहले हम व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे कोई सा भी एक चैट को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले चैट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसअपीयरिंग मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, डिसअपीयरिंग मैसेज। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा यहाँ पे। अगर दोस्तों आप रिश्तेदार से बात कर रहे हैं तो इसे आप ऑफ कर दीजिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति से बात करे तो यहाँ आप 24 आवर कर सकते हैं। तो ये मैसेज आपका जो भी आप चैट पर लिखे होंगे या मैसेज किए होंगे, वो अपने आप 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगा। और 7 दिन में करेंगे तो 7 दिन में वो डिलीट होगा, 90 दिन पर करेंगे तो 90 दिन में डिलीट हो जाएगा। आपको इस तरह से कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो अगर रिश्तेदार से बात कर रहे हैं तो आप ऑफ रखिए। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप 24 आवर पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी मैसेज या वीडियो कोई भी सेंड करते हैं तो वो 24 घंटे अपने आप आपके मोबाइल से भी और उसके मोबाइल से भी हट जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 की, जो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, हिडन फीचर है कि जब हम किसी को पिक भेजते हैं व्हाट्सएप पे तो उस पिक का क्लियरिटी ख़राब हो जाता है। तो वैसे में हम क्या करें कि पिक का क्लियरिटी ख़राब ना हो, पिक भी सेम क्लियरिटी का आए, तो उसके लिए आपको कोई सा भी एक पिक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी एक पिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर में ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां से आपको इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहां पे इमेज वाले सेक्शन पे, इमेज में जैसे मैं यहां पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास जो इमेज था वो आ गया है। इसके बाद कोई सा भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर देखिए सेंड का ऑप्शन आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा फ़ोटो PDF में चला गया है। इसके खोलने के लिए मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे गैलरी व्यूज फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ इस पर सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, मेरा फ़ोटो कुछ इस तरह का आया है, जो कि एकदम सेम क्वालिटी का है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जितने MB का फ़ोटो या KB का होता है, उतने ही MB का इसमें फ़ोटो या KB का रहता है, सेम। इसमें कोई चेंज नहीं होता और क्लियर भी लाजवाब आता है। तो दोस्तों, यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।